इस वीडियो में हम आप लोगों को डकैती के बारे में बताएंगे जो भारतीय दंड संहिता के अध्याय 17 में दिया गया है, जो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। आइए देखते हैं धारा 391 डकैती क्या कहता है। जबकि पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं, या जहाँ की वे व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं या करने का प्रयत्न करते हैं और वे व्यक्ति जो उपस्थित हैं और ऐसे लूट के लिए जाने या ऐसे प्रयत्न में मदद करते हैं, कुल मिलाकर पांच या अधिक हैं, तब हर व्यक्ति जो इस प्रकार का लूट करता है या उसका प्रयत्न करता है या उसमें मदद करता है, कहा जाता है कि वह डकैती करता है। अब आइए इसे आसान सी भाषा में समझ लेते हैं। डकैती लूट का हिंसात्मक रूप होता है। डकैती में मिनिमम पांच लोग होने चाहिए। इस अपराध को अंजाम देने के लिए अगर पांच से कम हुए तो डकैती का अपराध नहीं माना जाएगा। लूट के अपराध में हमेशा पांच से कम व्यक्ति होते हैं। जैसे ही लूट में पांच व्यक्ति सम्मिलित हो जाते हैं, वह ऑटोमेटिक डकैती में कन्वर्ट हो जाएगा। आइए डकैती से जुड़े हुए कुछ पॉइंट हैं उसे समझ लेते हैं। सेक्शन 391 के अंदर डकैती करने का प्रयत्न भी डकैती माना जाएगा। फॉर एग्जांपल, इस गांव के एक घर में डकैत घुस जाते हैं। घुसते ही गांव में शोर हो जाता है, जिससे गांव के लोग उस घर को घेर लेते हैं। डकैतों को लगता है अब हम नहीं बच पाएंगे, इसलिए हवाई फायर करते हुए उस घर से भाग जाते हैं। फिर भी इस धारा के अंतर्गत डकैती ही माना जाएगा। भले ही वो डकैत भाग गए हैं, डकैती करने में सफल नहीं हो पाए हैं, फिर भी इस धारा के अंतर्गत डकैती ही माना जाएगा। मेरी जानकारी में डकैती कई अवस्थाओं में अलग अलग तरीके से दंडनीय है। आइए इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। डकैती के आशय से एक जगह पर पांच लोग इकट्ठा होते हैं। इन लोगों का जमाव लगाना, इकट्ठा होना भी भारतीय दंड संहिता की धारा 402 के तहत अपराध है। अगर एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति डकैती की तैयारी कर रहे हैं, मतलब प्लान बना रहे हैं, तो भी यह अपराध आईपीसी की धारा 399 में अपराध है। राम लखन बनाम राज्य 1983 के बाद में कहा गया कि यदि पांच अभियुक्तों के विरुद्ध डकैती का अभियोग चलाया गया हो, उसमें से दो को संदेह का लाभ देकर छोड़ दिया जाता है, तो शेष बचे तीन अभियुक्तों को डकैती के लिए दो सिद्ध नहीं किया जा सकता है। घमंडी बनाम राज्य 1970 का वाद था। इसमें कहा गया कि यदि किसी डकैती के मामले में पांच अभियुक्तों में से दो को संदेह का लाभ देकर छोड़ा गया है, परंतु यह साबित कर दिया गया है कि सिद्ध दोष अभियुक्तों के साथ कुछ अन्य अपराधी भी इस अपराध में शामिल थे लेकिन वे फरार हैं, तो पहचान किए गए अभियुक्तों की संख्या पाँच से कम होने पर भी उन्हें डकैती के लिए दोष सिद्ध किया जाना पूर्णतः न्यायोचित होगा। अगर एक प्रश्न बने, पाँच या छः लोग एक घर में डकैती कर रहे हैं, उनमें से दो लोग बाहर पहरेदारी कर रहे हैं, दो लोग घर के अंदर जो व्यक्ति है उनके कनपट्टी पर बंदूक सटाए हुए हैं और दो व्यक्ति घर के जेवरात और पैसे को थैले में भर रहे हैं, तो क्या जो बाहर पहरेदारी कर रहे हैं दो व्यक्ति जो बाहर खड़े हैं वो डकैती के अपराध में शामिल होंगे? तो उत्तर होगा हाँ, क्योंकि ये दो लोग डकैती में मदद कर रहे हैं, इसलिए डकैती के अपराध में कॉमन इंटेंशन सामान्य आशय भी शेयर कर रहे थे, इसलिए छः लोग डकैती का अपराध कर रहे हैं। दूसरा प्रश्न यह बनता है, अगर पांच लोग किसी घर में
डकैती करने गए हैं, उनमें से एक व्यक्ति उस घर के एक सदस्य की हत्या कर देता है, तो क्या बचे चार डकैत हत्या के दोषी होंगे? तो उत्तर होगा हाँ, क्योंकि पांच व्यक्ति डकैती में सामान्य आशय कॉमन इंटेंशन शेयर कर रहे थे, इसलिए पांचों हत्या के दोषी होंगे, क्योंकि धारा 396 हत्या सहित डकैती के बारे में बताता है और कहता है यदि ऐसे पांच या अधिक व्यक्ति में से जो संयुक्त होकर डकैती कर रहे हों, कोई एक व्यक्ति इस प्रकार डकैती करने में हत्या कर देगा, तो उन व्यक्तियों में से हर व्यक्ति मृत्यु से या आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। जबकि डकैती के लिए दंड का प्रावधान IPC की धारा 395 करता है, कहता है जो कोई डकैती करेगा वह आजीवन कारावास से या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब आइए जान लेते हैं CRPC की प्रथम अनुसूची क्या कहती है। CRPC की प्रथम अनुसूची इसे संज्ञेय और अजमानती अपराध बताती है और इसका विचारण सेशन न्यायालय करता है। आशा है यह वीडियो आपके समझ में आया होगा। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।